ब्राजील के अंदर 35 लीटर की मूर्त आ रही है। अच्छा, अपने इंडिया से गर्म प्लाजा लेके गए, भैंस ले गए, सिमर ले गए, आज 32 लीटर तक की तैयार हमारे पास 25 केजी। इंडिया में कोई भैंस नहीं, अगर ईमानदारी की तोला 25-26 हो जाने। पंजाब की अगर भैंस की ब्रीड लेंगे तो कम से कम 8 लीटर से कम तो आएगी एवरेज। वो क्रॉस ब्रीड 14-15 की मुर्रा भी है, 18-20 की भी है, 12-14 की, 8-10 से कम तो मुर्रा आएगी। खाली चारा खिलावेंगे तब भी 8-10 लीटर तो मुर्रा भैंस दे देंगे। पूरा देश में कैसे फल लेगा भाई साहब? यहाँ कोई सरकार का तो ध्यान नहीं है, सरकार का तो ध्यान नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है किसी चीज़ की। अब मेरे पास आज तक कोई सरकार का बंदा नहीं है, इसमें अपने सारा अपने दम पर काम करे। आप भैंस ले आप ये तैयार करें, अब महीने का मेरा 3 लाख रुपये का खर्चा है, जाना होगा 3 लाख का दाना दाना होगा बिल्कुल। ये पुट्ठा कर रहे स्टोर खोल कर देंगे और ये इतनी लेबर लग रही, चारा बीज रहा, अपनी मेहनत है यानी मोटा मोटी मेरे को 4-4.5 लाख रुपए का खर्चा पड़ा। ठीक है ना, खाली क्या तैयार कर रहे हैं मैं ब्रीड कटड़ियाँ कटड़े, इन्हीं में से कोई एक दो बेच लिया 5-4 लाख का, इनका थोड़ा बहुत खर्चा निकल गया, कुछ सिमन भी गया। बाकी सरकार से मैंने आज तक 100 रुपये लिए महकमे का, मतलब पशुपालन से एक नया पैसा कैसा हो। चीज़ तो तैयार करेगा किसान, डॉक्टरों का तो काम सिर्फ यह भी अच्छे बोल सरकार कहीं से अरेंज करो, उनकी प्रोज नहीं बनाओ, किसान को बीज दो अच्छा बस, और दूसरी कोई मसला नहीं है जी। किसान खड़ा भी अपने घर से लेगा, सेवा भी अपने आप कर लेगा, ठीक है, उसका पालन पोषण भी कर लेगा, उसको तो सिर्फ बीज चाहिए। किसान ने पता ही नहीं बुग्गी का जो टच पकड़ागा और भैंस के ऊपर छोड़ देगा, उन्हें नहीं पता है 2 लीटर की क्या है, 10 लीटर की क्या है, 20 लीटर की क्या है।